हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी की गई है। दोनों स्कूलों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है, सरकारी स्कूल है जहां बिना परीक्षा के आप लोग टीचर बन सकते हैं। महत्वपूर्ण बात की यहाँ पर आवेदन महिला व पुरुष दोनों ही कर पाएंगे, कोई फीस नहीं लगेगी आवेदन के समय। आयु, वेतन, योग्यता क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें हम विज्ञप्ति में देखेंगे जो की मेन वेबसाइट पर स्कूल की जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो जितने भी सब्जेक्ट आप यहाँ देखेंगे तो एक तो महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स दोनों की वैकेंसी है जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, जैसे पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका, हिंदी की वैकेंसी है भाषा की, तो यहाँ पर TGT और PGT दोनों ही हिंदी के लिए ठीक है आवेदन कर सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा की है, मैथ्स की है, और साइंस में जो है ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान एक ग्रुप है और दूसरा जो है भौतिकी विज्ञान और गणित। अभी जो है यहाँ पर आवेदन क्लास 9 to 12 के लिए आपको करना है या फिर 6 to 8 के लिए करना है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन जो है वो चेक करेंगे, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंत तक वीडियो के बने रहें तभी सारी चीजें जो है आपकी क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अधूरा वीडियो देखते हैं और उसके बाद आप कमेंट में लिखते हैं। पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है TGT PGT दोनों में। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, कंप्यूटर की है वैकेंसी, पूर्णकालिक लेखापाल की है। अभी यहाँ पर जो है वो BEd वाले, BTC वाले, STC वाले, DLED, DED सभी आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं तो ये चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आप देखें कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। हिंदी की वैकेंसी है, अंग्रेजी की है, गणित की है, साइंस की है, सामाजिक विज्ञान की है, शारीरिक शिक्षा की और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है जिसे हम बाद में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज जो है मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि जिन स्टूडेंट ने BEd किया है तो वो यहाँ पर क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनमें जो भी सब्जेक्ट हैं तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने BTC किया है, DLED किया है, STC किया है, DED किया है, तो वो केवल और केवल यहाँ पर हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, गणित के लिए और साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आई होप आपकी क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो है नीचे हम देख लेते हैं, पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है और पूर्णकालिक शिक्षिका लेखापाल की वैकेंसी है, जहां पर 12th वाले भी आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा और डिग्री यहां पर चाहिए। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो काफी अच्छा रहेगा। सपोर्ट स्टाफ और रात्रि प्रहरी की वैकेंसी है इसके, और इसके बाद जो है मुख्य रसोईया सहायक रसोईया की वैकेंसी है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं वैकेंसी जो है वो कहाँ से आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय से वैकेंसी है। सबसे पहले जो है शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो से। तो यहाँ पर आपको दिखा दूं कि महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं शैक्षिक और गैर शैक्षिक रिक्त पदों के लिए। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है ये वैकेंसी जारी की गई है, यानी सबको शिक्षा जो है वो मिले, यही उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो है वांछित अर्हता क्या कही गई है तो मैंने आप लोगों को इन शॉर्ट बता दिया है, बाकी आप लोग दोबारा भी जो है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर अंकित पदों के लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ जो है स्नातक होना चाहिए। क्रम संख्या 7 और 8 के लिए, 7 में जो है दिया है फिजिकल एजुकेशन टीचर और 8 में दिया है कंप्यूटर, इसके लिए जो है न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक हो सकते हैं। ठीक है, इससे कम है तो चलेगा। उसके बाद जो है चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अगर है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रेस शैक्षणिक अर्हता में कहा है क्रम संख्या 1 से 4 के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपने बीएड किया है तो भी ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपने पास किया है तो भी यहाँ पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। BTC, DLED, STC वाले बिल्कुल डाल सकते हैं क्रम संख्या 1 से 4 तक के लिए। क्रम संख्या 5 एवं 6 के लिए जो है BEd उत्तीर्णता होनी ही चाहिए। शारीरिक शिक्षक शिक्षिका के लिए भी जो है इन्होंने कहा है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो किसके लिए चाहिए, तो यहाँ लिखा है कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए JTET पास होना कंपलसरी रहेगा। झारखंड TET आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप
क्लास 1 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए? तो यहाँ हिंदी भाषा, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक शिक्षा, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इसके लिए अगर आप 1 to 8 क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जेटेट होना चाहिए, ठीक है। क्लास 9 से 10 के लिए जेटेट जो है वो नहीं कहा गया है, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान विषय के लिए, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिकी और गणित के लिए कोई भी जेटेट की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ में जो है वो कंप्यूटर टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी जो है वो कोई भी अनिवार्यता नहीं है जेटेट की। तो अभी जो है यहाँ आप सभी जानते हैं शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति जो है यहाँ पर संविदा के आधार पर की जा रही है, बट यहाँ पर जो है कई सालों से टीचर अभी भी जो है वो अपने जो सेवा है उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है, आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर सैलरी के साथ में जो है आपको आवास की सुविधा भी दी जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो है राज्य सरकार की तरफ से जो है ये नियम लागू हो जाए कि यहाँ पर जो है जो भी कैंडिडेट पहले से यहाँ काम कर रहे हैं, 6-7 साल तक जिन्होंने काम कर लिया है उनको यहाँ रेगुलर कर दें, परमानेंट कर दें, ये भी संभव है। पूर्णकालिक लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ 50% अंकों के साथ यहाँ बीकॉम मांगा गया है, और यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर कोर्स जो है वो 1 वर्षीय होना चाहिए, साथ में हिंदी और इंग्लिश में जो है कंप्यूटर टाइपिंग एंड टैली सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। सपोर्ट स्टाफ के लिए केवल मैट्रिक कहा गया है, मुख्य रसोइया 8वीं पास, सहायक रसोइया 8वीं पास। सैलरी जो है यहाँ पर कस्तूरबा विद्यालय से अलग सैलरी यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि 15,840 प्रति माह आपको देय होगा, चाहे वो शिक्षक है चाहे वो शिक्षिका है, और संविदा विस्तार की अवधि में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी वैकेंसी निकली, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखापाल के लिए यहाँ पर 11,880 यहाँ प्रति माह देय है, और 150 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। सपोर्ट स्टाफ के लिए 6,000 प्रति माह है, 7,200, उसके बाद 7,200 रुपये है मुख्य रसोईया की, सहायक रसोईया की 5,400 रुपये है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे नीचे आप चले आएं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट बोकारो एप्लीकेशन फॉर्म आपको नीचे मिलेगा, इसे आप बहुत ही इजी वे में भर सकते हैं क्योंकि बहुत ही साधारण चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, ठीक है। बिना अनुभव के आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको लोगों को दिखा दूंगी कि कई सालों से यहाँ पर टीचर जो है वो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे टीचर जो कि अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी जो है वो हर साल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है आवेदन करने के लिए आप जो है आवेदन पत्र का प्रारूप और साथ में स्वयं पता लिखा हुआ 2 लिफाफा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी है उन पे साइन किए हुए, अगर आप आरक्षित श्रेणी के हैं तो अपने जो है वो प्रमाण पत्र लगाएं, ठीक है। और आप लोगों को अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024, अंतिम तिथि दी गई है 1 जनवरी 2024, तो इससे पहले आप लोगों को 5 बजे तक भेज देना है। एड्रेस आप देख लें, ये लिखा हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, कैंपस मध्य विद्यालय, SBS 400, वैभव होटल के पीछे, बोकारो, और ये है पिन कोड, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एड्रेस रहेगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो सब्जेक्ट है उसे आप लिखें। उम्र यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 35 वर्ष है जनरल कैटेगरी की, फीमेल के लिए अलग है, ऑल कैटेगरी की जो फीमेल हैं अनरिजर्व, EWS, BC, इनके लिए 38 साल है, ठीक है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37 है, SC ST मेल या फीमेल के लिए 40 ईयर है, PWD के लिए 10 साल की छूट है, ठीक है। तो अनरिजर्व सामान्य वर्ग की जो महिला हैं तो उनके लिए जो है उम्र रखी गई है 38 ईयर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी कि पहले जो है ये संविदा के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा।
अभी देखिए यहाँ पर ये चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो भी पहले से पढ़ा रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, ठीक है, या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो स्कूल चल रहे हैं साक्षरता भारत या महिला सामाख्या में काम करने का अनुभव रखने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, मेल है फीमेल है, सभी जो है अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर जो है इनको लाभ दे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनको बाकी आगे देखें, चयनित तो होने वाले शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी और कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1-1 वर्ष की अवधि में विस्तारित किया जा सकेगा। तो ये डाउट तो बिल्कुल मन में ना रखें कि आपको ये हटा देंगे। शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अन्य गैर शैक्षणिक कर्मियों के कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संविदा की समाप्ति का निर्णय लेने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति सक्षम प्राधिकार होगी, ठीक है। अब जो टीचर जो है वो यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो और वो सेवा अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो उनकी बात बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है। बाकी आप जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है यहाँ वर्क करेंगे तो आपको कोई भी नहीं यहाँ से हटाएगा, ठीक है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं लेखापाल को आवासीय परिसर में रहना अनिवार्य होगा, तो सैलरी के साथ में आवास की सुविधा भी यहाँ मिलेगी। तो आप यहाँ देख लीजिए आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूलों से बिल्कुल वैकेंसी आ रही है। अब मैं आप लोगों को मेन वेबसाइट जो है ये भी दिखा देती हूँ, झारखंड सरकार जिला बोकारो, ठीक है। तो यहाँ नोटिस पर नोटिस सेक्शन जो है इस पर आप लोगों को थर्ड नंबर पर रिक्रूटमेंट दिखाई देगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर देखिए टाइटल में लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट वीकेंड पोस्ट इन टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाइज झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट बोकारो, ठीक है। 1 जनवरी लास्ट डेट रहेगी 2024। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा और यहाँ डाउनलोड का जो मार्क है रेड कलर का, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।